हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमन एस आज के वीडियो में हम सेट टू जो था मॉक टेस्ट का उसका पार्ट टू करने वाले हैं ठीक है सेट टू का पार्ट टू क्यों क्योंकि मैंने उसको फिफ्टी फिफ्टी क्वेश्चन करके डिवाइड कर दिया था क्योंकि लॉन्ग वीडियो अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी आई होप यू विल अंडरस्टैंड तो इसमें हम लोग फिफ्टी से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट गर्ल स्टूडेंट टू विन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया प्राइज तो ये किसने जीता है शिबिमल घोष लिपि ठकराल कविता गोपाल या दिव्या अग्रवाल तो किसने जीता है ये जीता है कविता गोपाल ने नेक्स्ट वन इज़ हु वॉज़ अवार्डेड द जी एन रामचंद्र गोल्ड मेडल बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद जी ने जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये अवार्ड किसको दिया है प्रोफेसर अमिताभ चट्टोपाध्याय डॉक्टर अमोल प्रकाश डॉक्टर बोधिस्वता हाजरा डॉक्टर प्रभात रंजन प्रेम तो ये मिला है प्रोफेसर अमिताभ चट्टोपाध्याय को नेक्स्ट क्वेशनज हाउ मेनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ ऑनलाइन फेक न्यूज़ ऑनलाइन जो फेक न्यूज़ होती है उसको स्टॉप करने के लिए उसके स्प्रेड को मतलब उसको फैलने से रोकने के लिए स्टॉप करने के लिए कितनी कंट्रियों ने एक एग्रीमेंट साइन किया है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी टू या ट्वेंटी एट तो ये किया है ट्वेंटी कंट्रीज़ ने अभी आपको सब सारे कंट्रीज़ के नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है बीस कंट्री है कितने के याद करोगे ठीक है इतना डीप नहीं आता नेक्स्ट इज फिफ्टी फ़ोर विथ स्टेट टॉप द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज बाई नीति आयोग नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ की है इसमें टॉप किसने किया है उत्तर प्रदेश बिहार केरला या पंजाब तो ये किया है केरला ने नेक्स्ट इज फिफ्टी फाइव वेन इज द इंटरनेशनल कॉफी डे सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल कॉफी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट अक्टूबर सेकेंड अक्टूबर थर्ड अक्टूबर या फोर्थ अक्टूबर तो ये होता है फर्स्ट अक्टूबर को नेक्स्ट इज वॉट इज द स्ट्राइक रेंज ऑफ द लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मो सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल ब्रह्मो सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है इसकी लैंड अटैक की स्ट्राइक रेंज पूछी है वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा ठीक है इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता टू फिफ्टी टू फोर्टी किलोमीटर टू नाइन्टी किलोमीटर थ्री हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर या थ्री सिक्सटी किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है टू हंड्रेड एंड नाइन्टी किलोमीटर बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ ग्रीन प्लानट इन द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम में ग्रीन प्लानट कौन सा है प्लूटो बीनस यूरनस या मास इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यूरनस ओके नेक्स्ट है वट इज़ द थीम ऑफ सिक्स एडिशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल ट्वेंटी ट्वेंटी थीम्स आती है तो या, याद रखना है ठीक है ये वर्चुअली हुआ था न्यू डेली में अभी हुआ है डिसम्बर में ट्वेंटी टू से ट्वेंटी फाइव को ठीक है ये वर्चुअली हुआ था पी एम नरेंद्र मोदी ने इनागरेट किया था हमसे पूछा इसका थीम क्या था साइंस फॉर सेल्फ रेजिलेंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर साइंस फ़ॉर द मासिस साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन या साइंस फॉर न्यू इंडिया इसका करेक्ट आंसर है साइंस फॉर सेल्फ रेजिलेंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर ऑप्शन ए या वन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेकन ओवर एज न्यू इंडियन एयरफोर्स चीफ इंडियन एयरफोर्स की न्यू चीफ कौन है एयर मार्शल आर के एस भदौरिया एयर मार्शल आर एन एस ठाकुर एयर मार्शल एस एन गुप्ता या एयर मार्शल राहुल शाह तो ये है एयर मार्शल आर के एस भदौरिया नेक्स्ट है विच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज बीन ऑनर्ड विद अ प्लानट नेम्ड आफ्टर हिम एक इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है उनके नाम नाम के ऊपर एक प्लानट का नाम रखा गया है ठीक है उनको ऑनर देने के लिए तो ये कौन है भीमसेन जोशी लता मंगेशकर कुमार गंधर्व या पंडित जसराज तो ये है पंडित जसराज नेक्स्ट है वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ ये किसकी पॉलिसी थी वन स्टेट वन वन पीपल वन स्टेट एंड वन लीडर स्टैनलिन हिटलर लिनन या या मुसौलन तो ये थी हिटलर की पॉलिसी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिसीव साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2018 एटीन डीआरडीओ डी आर डी ओ ऑन डिसम्बर ट्वेंटी तो ये 2018 का अवार्ड है लेकिन दिया गया है दिसंबर 2020 में नाम है हेमंत कुमार पांडे टेसी थॉम्पसन सुधीर कामंत या प्रवीण के मेहता तो ये मिला है हेमंत कुमार पांडे को इन्होंने ल्यूकोडर्मा जो होता है उस डिजीज़ के ऊपर इन्होंने एक दवाई बनाई है तो इसलिए उनको मिला है नेक्स्ट इज हु वन द सर ग्रेफे फील्ड सोबर अवार्ड फॉर आई सी सी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेट एट आई सी अवार्ड ऑफ द डेकेट तो ICC ने क्या किया है अभी पूरे जो दस साल है ना उनका एक अवार्ड किया ठीक है थीके? तो 2011 से लेकर 2020 तक जो भी जिनके भी अच्छी परफॉर्मेंस थी उन सबको अवार्ड दिया अवार्ड ऑफ द डेकेट बोल के तो अभी पूछा हमसे कि मेल क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है एमएस धोनी केन विल्सन विराट कोहली या बेन स्ट्रोक तो ये मिला है विराट कोहली को एमएस धोनी को भी एक अवार्ड मिला है अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंडिया फर्स्ट फीमेल आईसीसी मैच रेफरी इनमें से कौन है जो इंडिया की फर्स्ट फीमेल आईसीसी मैच रेफरी है वी एस लक्ष्मी जी एस लक्ष्मी एंड्री सेंड्रिया या विजय सिंह तो ये है जी एस लक्ष्मी नेक्स्ट है वेन इज द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे कब होता है हर साल फर्स्ट दिसंबर सेकेंड दिसंबर थर्ड दिसंबर या फोर्थ दिसंबर तो ये होती है थर्ड दिसंबर को हु वॉज़ द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव भारत रत्न कौन सी फर्स्ट वुमेन है जिनको पहली बार भारत रत्न मिला था मदर टेरेसा किरण बेदी इंदिरा गांधी या पीटी उषा तो ये मिला था इंदिरा गांधी को नेक्स्ट है हु हैज़ हु इज़ द राइटर ऑफ़ बुक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आर एंसेस्टर एंड वेयर इट केम फ्रॉम ये बुक का नाम है और ये ऐसे मतलब छोटा सा साइड में जो लिखते हैं ना वो है तो ये इनको अभी रिसेंटली प्राइज़ मिला है शक्ति भट्ट प्राइज तो ये बुक किसने लिखी है हमसे ये पूछा है रवि बर्मन अच्छुत नंदन रोमेश दत्त या टोनी जोसेफ तो ये लिखी है टोनी जोसेफ ने नेक्स्ट है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द ट्वेंटी फोर्थ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सोमतोष घोष सोमा रॉय बर्मन आशुतोष शाह या पत्र लिखा दत्ता तो ये मिला है सोमा रॉय बर्मन को नेक्स्ट इस चंडोली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन बिथ स्टेट तो ये चंडोली नेशनल पार्क कहाँ है महाराष्ट्र में वेस्ट बंगाल में तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में तो ये है महाराष्ट्र में अगला है वेयर इज द सेकेंड वर्ल्ड हेल्थ एक्सपो इज बिंग हेल्थ वर्ल्ड का हेल्थ एक्सपो कहाँ बन रहा है वुहान चाइना चनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क यू एस ए या डेली इंडिया तो ये बन रहा है वुहान चाइना में एंड ये मैंने आपको करेंट अफेयर में करवाया था इफ़ यू रिमेंबर नेक्स्ट इज वन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एबॉलेशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए एक डे मनाया जाता है इंटरनेशनल डे तो ये कब मनाया जाता है फर्स्ट दिसंबर सेकेंड दिसंबर थर्टी नवंबर या ट्वेंटी नाइन नवम्बर तो ये होता है सेकेंड दिसंबर को इसकी थीम क्या थी मुझे कमेंट करके बताना हु वन इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज पीस प्राइज किसको मिला है अभी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं तो उसमें से पीस प्राइज किसको मिला है पूछा ग्रेता थर्नबर्ग सदत रहमानबामुत्रो या खुशी चंडेल तो ये मिला है सदत रहमान को वेन इज द वर्ल्ड्स एड डे ऑब्जर्व एड्स डे कब होता है ट्वेंटी एट नवम्बर ट्वेंटी नाइन नवम्बर थर्टी नवम्बर या फर्स्ट दिसंबर तो ये यहा है फर्स्ट दिसंबर को विच कंट्री हेज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट लिविंग अब्रॉड एज़ पर द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी के हिसाब से कौन सी कंट्री के माइग्रेंट जो है सबसे ज़्यादा बाहर रह रहे हैं जपैन मैक्सिको चाइना या इंडिया तो ये है इंडिया ठीक है नेक्स्ट है विच फिल्म वॉन द ग्लो गोल्डन पिकॉक अवॉर्ड आई एफ एफ आई ट्वेंटी नाइन्टीन तो ये ट्वेंटी नाइन्टीन का है अभी जो आपको मिलेगा ट्वेंटी ट्वेंटी में वो याद रखना है ठीक है पार्टिकल तो इसको ही मिला है पार्टिकल्स को विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज रिचार्ज बाय सबसाइल वाटर इसमें से कौन सा रिवर है जो सबसॉइल वाटर जो आता है उससे ही फिल होता है रिचार्ज होता है ठीक है गोदावरी दामोदर नर्मदा या कृष्णा तो ये है नर्मदा नेक्स्ट इज इंडियाज़ गीता साबरवाला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यू एन कोऑर्डिनेटर इन विच नेशन मॉल थाईलैंड वियतनाम या केन्या तो ये है थाईलैंड में हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्मश्री अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी पद्मश्री अवार्ड के लिए इनमें से किसको सिलेक्ट किया गया था दीपिका पादुकोण कंगना रनौत आलिया भट्ट या कैटरीना कैफ तो ये था कंगना रनौत को

गति या मार्ग तो ये क्या है गति ठीक है वेन इज द वर्ल्ड लेप्रेसी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर लेप्रेसी डे कब होता है ट्वेंटी फाइव जनवरी ट्वेंटी सिक्स फरवरी टेन जनवरी या या थर्टीथ जनवरी तो ये होता है थर्टीथ जनवरी को या इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा होगा नेक्स्ट है हुज डेथ एनिवर्सरी इज बीइंग ऑब्जर्व ऑन जनवरी थर्टी जनवरी थर्टी को किसकी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है इंदिरा गांधी महात्मा गांधी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस ये होती है महात्मा गांधी की और इस डे को एक नाम दिया गया है थर्टी जनवरी को वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना नेक्स्ट इज वट इज़ इंडिया पोजेशन एन ट्वेल्थ एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकनॉमिक लीग टेबल ट्वेंटी ट्वेंटी वन इसका इंडिया का पोजेशन क्या है ये ट्वेल्थ एडिशन था इसका ठीक है ये रिलीज कौन करता है सेंटर फॉर इकोनॉमिक बिजनेस एंड रिसर्च लिमिटेड सी ई बी आर ट्वेंटी ट्वेंटी में रिलीज हुई थी इंडिया की पोजिशन पूछी है ट्वेल्थ फिफ्थ सेवेंथ या 6th. तो पोजिशन है इंडिया की सिक्स विच नेशन इज द सेकेंड बिगेस्ट वेपन प्रोड्यूसिंग आफ्टर द यू एस पर सिप्री एनुअल रिपोर्ट तो कौन सा नेशन है जो सबसे ज्यादा वेपन प्रोड्यूस कर रहा है यूएसए के बाद इंडिया रशिया जर्मनी या चाइना तो चाइना कर रहा है ठीक है नेक्स्ट शेख हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन किस नेशन के या कंट्री के शेख खलीद जो है उनको न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कतर सऊदी अरेबिया कुवैत या यूएई तो यह है कतर के नेक्स्ट क्वेश्चन है येलो कलर ऑफ पपाया इज ड्यू टू कैरिका कैरोटीन ल्यूकोपिनन या पैपेन तो ये होता है कैरिका जैनथनन की वजह से 89 नाइन वन इज़ द नेशनल वोटर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया इंडिया में नेशनल वोटर डे कब सेलिब्रेट होता है ट्वेंटी फोर्थ जनवरी ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी ट्वेंटी सिक्स जनवरी या ट्वेंटी सेवन्थ जनवरी तो ये होता है ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी को नेक्स्ट है वेन इज़ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व इन एवरी ईयर तो गर्ल चाइल्ड डे कब होता है सिक्सटीन जनवरी एलेवेंथ अक्टूबर ट्वेंटी फोर्थ जनवरी या ट्वेंटी सिक्स फरवरी तो ये होता है ट्वेंटी फोर जनवरी को हाउ मेनी चिल्ड्रन व ऑनर्ड विद द प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार इन ट्वेंटी ट्वेंटी तो ट्वेंटी ट्वेंटी में कितने बच्चों को ऑनर किया था अभी ट्वेंटी ट्वेंटी वन का भी आ गया है ठीक है तो एग्ज़ाम में ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी वन दोनों में से किसी का भी पूछ सकता है कि दो मतलब ईयर के मिक्स हो के आते हैं और वो एग्ज़ाम पे भी डिपेंड करता है कि अगर लेट से होगा तो ज़्यादा ट्वेंटी ट्वेंटी वन के ही आएंगे लेकिन अगर एग्ज़ाम अभी मई में, में या अप्रैल में हो गया तो ट्वेंटी ट्वेंटी का भी करंट अफेयर आ सकता है फोर्टी नाइन फिफ्टी वन फिफ्टी सेवन या थर्टी एट तो ट्वेंटी ट्वेंटी में दिए गए थे फोर्टी नाइन बच्चों को नाइन्टी टू विथ स्टेट डिजास्टर इंटीग्रेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर वो अंदर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार ट्वेंटी ट्वेंटी तो किस स्टेट को मिला है ये बताना है हमें ये पुरस्कार का नाम है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार केरला उत्तराखंड उड़ीसा या गुजरात तो ये मिला है उत्तराखंड को नाइन्टी थ्री वट इज द इंडियन रैंक इन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ट्वेंटी 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 का है ये तो ग्लोबल टैलेंट जो इंडेक्स होता है इसमें इंडिया की रैंक क्या है फोर्टी फिफ्टी फाइव सिक्सटी एट या सेवेंटी टू तो ये है सेवेंटी टू नेक्स्ट इज़ वट इज़ इंडियाज़ रैंकिंग इन द रीसेंट रिलीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्वेंटी नाइन्टीन ये ट्वेंटी नाइन्टीन का है अभी अगर ट्वेंटी ट्वेंटी वन का अगर आया होगा तो आपको वो पढ़ना होगा एग्ज़ाम से पहले ठीक है फिफ्टी सेवन सिक्सटी थ्री सेवेंटी थ्री या एटी तो ट्वेंटी नाइन्टीन में एट्टीथ पोजीशन थी अभी जो इस साल की आ जाएगी आपको वो पोजिशन लर्न करनी है नाइन्टी फाइव विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है स्कीम उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश या राजस्थान तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ओपन इन विच सिटी ये ई वेस्ट क्लिनिक कौन से सिटी में ओपन हुई है पुणे भोपाल चेन्नई या इंदौर तो ये हुई है भोपाल में अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे किस दिन होती है ये और इस डे को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं पराक्रम दिवस और ये होती है ट्वेंटी थ्री जनवरी को इंडिया वॉज रैंक्ड एट विच पोजिशन इन द रिसेंट रिलीज ऑफ ई आई यू ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी इंडिया का रैंक क्या था पूछा गया है फोर्टी फिफ्टी वन सिक्सटी थ्री या सेवेंटी सेवन तो इंडिया का रैंक था फिफ्टी वन नेक्स्ट है लार्जेस्ट फ्लैश वाटर लेक इन इंडिया फ्रेश वाटर लेक लार्जेस्ट कौन सा है इंडिया में पुलकट लेक विरानम लेक चिलका लेक या कुल्लू लेक तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुल्लू लेक एंड द लास्ट क्वेश्चन द आर्टिकल सेवनटीन एंड एटीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड जो सेवनटीन और एटीन आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्या देता है सोशल इक्वालिटी इकोनॉमिक इक्वालिटी पॉलिटिकल इक्वालिटी या रिलीजियस इक्वालिटी तो ये प्रोवाइड करता है सोशल इक्वालिटी तो ये थे फिफ्टी वन से हंड्रेड तक ठीक है अब नेक्स्ट में वन हंड्रेड एंड वन से वन फिफ्टी तक क्वेश्चन होंगे ठीक है इंग्लिश के साइंस हो गया या ये वाला जी के था ये पार्ट टू नेक्स्ट में डालूंगी वो पार्ट थ्री होगा जो हंड्रेड एंड वन से लेके हंड्रेड एंड फिफ्टी तक है वो वाले क्वेश्चन होंगे ओके okay? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना